और बीजेपी सांसद रमा देवी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में एसपी नेता आजम खान ने माफी मांग ली है। लोकसभा सदन में आज आजम खान ने रमा देवी से माफी मांगी। आजम खान ने कहा कि मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है, मुझसे गलती हुई है और मैं माफी मांगता हूं। आजम खान ने कहा कि रमा देवी हमारी बहन समान है। वहीं स्पीकर ने आजम खान से दोबारा माफी मंगवाई। सदन में रमा देवी भी आजम खान पर बरसी। उन्होंने कहा कि आजम की आदत बिगड़ी हुई है, उनके इस बयान से पूरे देश को दुख पहुंचा है। मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं दो बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ, चार बार मंत्री रहा हूँ, नौ बार विधायक रहा हूँ, राज्यसभा सदस्य रहा हूँ। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मेरे से कोई भावना में गलती हुई है, तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। जो चीज बोले, जो कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी, वो अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी है, पूरा हिंदुस्तान देखती है और पूरा हिंदुस्तान की महिला पुरुष सब को तकलीफ पहुंचा है। और इतना तकलीफ पहुंचा है कि इसका जो महत्व है इनको समझ में नहीं आएगा। काहे कि अब बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे। इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है।